स्वाति मालीवाल केस पर आया। ब्रजभूषण सिंह का बड़ा बयान, आप पर किया कैसा खुलासा। स्वाति मालीवाल ने जिस तरह से अरविंद केजरीवाल के करीब विभव कुमार पर आरोप लगाए और जिस तरह से विभव कुमार पर कार्रवाई हो रही है, उससे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी बैकफुट पर आ गई। लोकसभा चुनावों के बीच इस मामले में काफी तूल भी पकड़ा हुआ है। तमाम राजनीतिक पार्टियां इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के साथ साथ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को घेरे हुए हैं, जबकि आम आदमी पार्टी का आरोप है कि ये सब बीजेपी की साजिश है और स्वाति मालीवाल बीजेपी के कहने पर ये सब कर रही हैं, जबकि मेडिकल रिपोर्ट में स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की पुष्टि हो चुकी है। तो वहीं अब इस मामले पर केसरगंज से भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रजभूषण सिंह ने पहली बार प्रतिक्रिया दी। एक टीवी चैनल से बातचीत में ब्रजभूषण सिंह ने आम आदमी पार्टी को जमकर घेरा है। यूपी तक से बातचीत में बीजेपी नेता ने कहा कि देखिए, जिस समय हमारे ऊपर आरोप लगे थे तो सबसे ज्यादा ड्रामेबाजी अगर किसी ने की थी तो आम आदमी पार्टी ने की थी। आज वही चीज घूम फिर कर के हो रही है और जो जैसा होता है उसके सामने वो सब आता भी है। इसके साथ साथ ब्रजभूषण सिंह ने कहा कि हमको लगता है कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और सीन जो क्रिएट होता है उस पर भी काम चल चुका है और इसका असर दिल्ली के चुनावों पर भी पड़ेगा। पहले तो भ्रष्टाचार के आरोप और अब यौन उत्पीड़न के आरोप, तो उसका असर दिल्ली चुनाव पर साफ साफ पड़ना तो पक्का है। और ये आरोप किसी दूसरे ने नहीं लगाए बल्कि उनकी पार्टी की राज्यसभा सांसद ने लगाए हैं। ब्रजभूषण सिंह के अलावा बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल पर कथित हमले को लेकर हमला बोला और आरोप लगाया कि चार दिन तक उनकी चुप्पी स्पष्ट रूप से उनके दोहरे चरित्र और दोहरे मापदंड को दर्शाती है। बता दें, स्वाति मालीवाल केस में विभव कुमार से लगातार पूछताछ हो रही है। विभव कुमार इस वक्त पुलिस रिमांड पर है। इससे पहले दिल्ली पुलिस की तरफ से बताया गया था कि विभव पूछताछ में पुलिस का सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं कर रही है। इसके बाद पुलिस ने सख्ती दिखाई। वहीं जैसे जैसे इस मामले की जांच का दायरा बढ़ रहा है, वैसे वैसे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के साथ साथ अरविंद केजरीवाल की भी मुसीबत बढ़ती हुई नजर आ रही है। सबसे खास बात तो यह है कि विभव कुमार ने अपना फोन फॉर्मेट कर दिया था, जिसकी वजह से पुलिस को शक है कि विभव के फोन में कोई ना कोई ऐसे सबूत छिपे थे जो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के साथ अरविंद केजरीवाल की भी मुसीबत पड़ा सकते थे। जबकि इन आरोपों पर विभव कुमार ने बताया था पुलिस को कि फोन हैंग हो रहा था, जिसकी वजह से उसने अपना फोन फॉर्मेट किया। फिलहाल जांच चल रही है और जल्द सच्चाई भी सबके सामने आ जाएगी। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।